सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इसके बारे में तो बहुत पहले से आज काल से चर्चा हो। जब शराब बने तो बने तो देखिए, हमारा अनशन लगातार है और ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है इस दुकान की लेके, और ये आप देख रहे हैं कि लगातार ये शराब की दुकान जो आप देख रहे हैं, सामने केंद्रीय विद्यालय और सामने शराब की दुकान है, और ये पहली बार नहीं है कि आज हम लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। लगातार इस दुकान का विरोध हो रहा है, लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय के सामने मॉडल साहब का होना एक दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस पर बच्चों पर एक गलत असर पड़ रहा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, चेन स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। इसके विपरीत भी आप देख रहे हैं कि इन दुकानदार को किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है, इनको ना पुलिस का खौफ है, ना आबकारी विभाग का खौफ है, ना एलडीए का खौफ है, और ना आप जनता का खौफ है। पहले ये दुकान बंद करके चले जाते थे, आप सामने दुकान भी खोल के बैठे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि ये लोग बार-बार प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, ये तो आप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि पुलिस की रिपोर्ट जो मेरे पास में साफ लिखा हुआ है कि ये जो उन्होंने डीएम साहब को दिया है और पुलिस एसएसपी साहब को दिया है कि वो दुकान 50 मीटर के अंदर है। एलडीए ने इसकी सीलिंग का ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, कि ये दुकान आवासीय है, इस पर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रहा। पुलिस भी मान नहीं गलत, एलडीए भी मान नहीं गलत, आबकारी विभाग भी मान नहीं गलत, और फिर भी ये दुकान चल रही है। ये आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, और उस राज का भ्रष्टाचार है जो राम राज की बात करता है। इसलिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सवाल जाके आप उनसे भी पूछिए कि राम राज क्या ऐसे ही काम होगा? स्कूल के सामने शराब की दुकान खोल के रामराज कायम होगा? महिलाओं के से छेड़छाड़ करा के रामराज कायम होगा? चेन स्नेचिंग करा के रामराज कायम होगा? और ये एक जगह की घटना नहीं है, ये शहर के अंदर 50% दुकानें बढ़ गई है 1.5 साल के अंदर। तो ये सोचने की बात है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री महंत हो, जो एक महंत मठ का महंत हो, वो एक वक्त का मुख्यमंत्री बनता है, उसके राज में और वो भी राजधानी में 1.5 सालों में 50% दुकान का इजाफा होता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, और इस पर सरकार को, प्रशासन को, सबको गौर फिक्र करनी चाहिए। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बार यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन करते हो, उसके बावजूद किसी अधिकारी या किसी से आपकी कोई बात हुई इसको लेकर? देखिए, जितनी भी अधिकारियों से बात हुई, मेरे एलडीए भी हम लोग गए थे, उसने साफ कह दिया कि मैंने सीलिंग का ऑर्डर कर दिया, मेरे बस में नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कोर्ट बैठ नहीं रही है, मेरे पास टाइम हो बैठ, मतलब सिर्फ ताला मोली हो रहा। और आप उसकी हठधर्मी आप देख सकते हैं कि इतने लोगों की प्रदर्शन के सामने दुकान खोल के बैठा, तो आप समझ सकते हैं कि जो हम लोगों को मालूम है शहर के बहुत बड़े पूंजीपति, उद्योगपति आप कह सकते हैं, उनकी दुकान है और इनकी बहुत ऊपर से नीचे तक की पहुंच है।